रामचंद्र जी और सीता माता जब जंगल में रह रहे थे तो उनके पास एक सुंदर सी लड़की आई। पता है, सुंदर होते हुए भी वो एक राक्षसी थी। उसके पूरे बदन में जहर फैला हुआ था। उसका नाम था सूर्पनखा। क्यों री, सुन रही है ना? चाओ नानी माँ, तुम्हारी कहानी बड़ी ही डरावनी है। अरे लेट जा। ये सूर्पनखा रामचंद्र जी को अपने मोह और खूबसूरती के जाल में फंसाने आई थी। ये जानकर पता है क्या हुआ? रामचंद्र जी ने उसकी नाक ही काट दी। क्या नानी माँ, तुम्हें ये भी पता नहीं कि रामचंद्र जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने काटी थी सूर्पनखा की नाक? तू चुप रह, तुझे क्या मालूम? वो तो भगवान थे, योगी थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आजकल के मर्द सब मान मर्यादा भूलकर ऐसी औरतों को घर में बिठा लेते हैं। कलयुग है भाई, कलयुग। जाओ नानी माँ, मुझे नहीं सुनी तुमसे कोई कहानी वहानी। छोटी माँ, छोटी माँ, तुम कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस कलमुई ने सबके ऊपर। जाओ, सब उसके पास जाके मरो। कलयुग है भाई, कलयुग। मेरी बिचारी बेटी की आत्मा तड़प रही होगी, यहाँ उसे सब भुलाकर सुना ना कहानी, इस डायन के आगे पीछे भाग रहे हैं। अच्छा बाबा, कौन सी कहानी सुनाओ? ही थी ना, राजा रानी की? किसी को क्या परवाह? नहीं, देवी देवताओं की? शायद भगवान ही मेरी सुन ले। नहीं, कलयुग है भाई। कौन सी अच्छी कहानी सुनाओ? अच्छा ठीक है, एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो कहानी। एक दिन एक साधु और उसका सबसे होनहार चेला पदयात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वो एक तालाब से गुजरे कि अचानक उस तालाब से एक औरत के चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। उस तालाब में एक औरत डूब रही थी। तब साधु ने बिना दोबारा सोचे उस तालाब में छलांग लगाई और उस औरत को बचाकर किनारे पर लाकर छोड़ दिया। दूर खड़ा चेला ये सब कुछ नाराजगी से देख रहा था। जब उन दोनों ने अपनी पदयात्रा फिर से आरंभ की तो चेले ने साधु से बिल्कुल बात नहीं की। रात को जब पड़ाव डालने का समय आया और चेले ने फिर से साधु से बात नहीं की तो साधु ने उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछी। तो चेले ने बताया, गुरुजी, आप तो हमें हमेशा सिखाते हैं कि हमारा धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है, फिर आपने उस औरत को छूकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों किया, अपनी तपस्या भंग क्यों की? तब साधु ने उससे कहा, पुत्र, मैंने तो सिर्फ उस औरत को उठाकर किनारे पर रख दिया था, तुम तो अब तक उसे उठाए हुए हो। चेला ये सब कुछ सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने साधु से क्षमा मांगी। कोई ना, कोई ना, कोई ना। ये मुझे दे दीजिए और आप अंदर जाइए।
देखिए, पहले ही गांव वाले आपके और मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ये करते हुए देख लिया तो उन्हें जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। आपने मुझे इस घर में रहने को जगह दी है, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है मेरी इस घर की तरफ। लाइए, आप मुझे दे दीजिए। आप इन गांव वालों को नहीं जानती। लाइए, मुझे दीजिए। रुको भैया, वो अपने मनोहर बाबू चल बस। कोई ना, यहाँ आज स्कूल में क्या सीखा? वही पुरानी कहानियाँ। तुम कुछ नया सिखाओ ना छोटी माँ। मैं क्या सिखाऊँ? कुछ भी। पुजारी जी कहते हैं कि हर भगवान के 101 से ज्यादा नाम हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कौन से भगवान का नाम जानना चाहोगी? देवी माँ की। ठीक है, लिखो। दुर्गा, काली, पार्वती, शारदा। छोटी माँ। हाँ, क्या कह रही थी मैं? शारदा। क्या हुआ छोटी माँ? कुछ नहीं। आपका नाम भी किसी देवी का नाम ही होगा। बोलो ना छोटी माँ, आपका नाम क्या है? ए श्याम, रखो। तो काम पर जा रहा है? मैं बहुत खुश हूं तुझे नौकरी मिल गई श्याम। वैसे बाबा तो चाहते थे कि उनके रहते में किसी बहुत अच्छी सी नौकरी पर लग जाते, मगर इसमें नौकरी मिली भी तो उनके मरने के बाद, और वो भी उन्हीं की। वैसे बाबा की इच्छा कभी मुझे इन खाकी कपड़ों में देखने की नहीं थी। उन्हें ये खाकी कपड़े अच्छे लगते मेरे ऊपर। कुछ दिन और जिंदा रह जाते तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता। कौन कहता है कि वो तुझे छोड़कर चले गए? वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे शाम। चल अब काम पर चल, काम पर जाने का समय हो गया तेरा। चल चल। पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। रखू शाम,
बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। पागल हो गया तू? हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे श्याम, हमेशा साथ रहेंगे। शाम चल, काम पर जाने का वक्त हो गया तेरा, चल। चलो दूध पी लो। दूध? मुंह नहीं बनाते, दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा, तभी तो पेड़े खाने को मिलेंगे। पेड़े? अच्छे अच्छे ताजे ताजे मीठे मीठे पेड़े। पर ये पेड़े उन्हीं को मिलेंगे जो दूध पिएगा। तो मैंने कब मना किया, दे दो ना। पेड़े? पहले ये बूढ़े की मूंछ तो पोंछ लो। ये क्या तेरी बाप की शर्ट है? वही फटी पुरानी शर्ट। बाप तो कहता फिरता था कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है। अरे पढ़ने लिखने से नसीब नहीं बदलते, आखिर वॉचमैन का बेटा तो वॉचमैन ही रहेगा ना। तू जब आएगा तो सलाम करके तेरे लिए गेट खोलूंगा। माफ करना बाबा, आप जिस नौकरी पर मुझे नहीं लगाना चाहते थे उसी पर लग गया, माफ करना। छोटे मालिक, क्या बात है? आप मेरे दोस्त शाम को जानते हैं ना? हाँ। तो उसके पिता की अचानक मौत हो गई है, जिसकी वजह से शाम को उनकी नौकरी मिल गई है, वॉचमैन की नौकरी है। तो मैं सोच रहा था कि अपनी दुकान से 6 मीटर काके का कपड़ा लेकर उसके लिए यूनिफॉर्म बनवा लूं, अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। वाह भाई, किशन भगवान ने तो द्रौपदी की लाज बचाई थी, अब तू निकला शाम की लाज बचाने। जब देखो उधार मांगने चला आता है। जाने दो, गरीब है समझ के आज तक छोड़ा मैंने, पिछला उधार जो बाकी है वो कौन चुकता करेगा? भैया उधार का धंधा अब मुझसे नहीं होता, अब से पैसे रखे बिना एक रूमाल तक नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ पहले पिछला उधार चुकता करो। अरे जाओ भी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो।
तस्वीर बनाई, आप, मैं, छोटी माँ। बहुत अच्छी है। कोई ना बेटा, ये तेरी पायल कितनी काली हो गई है ना? ये पहले से ही ऐसी थी बाबा। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब तू 2 साल की थी ना, तब लाए थे ना, तू इन्हें पहनकर सारे घर में दौड़ती थी, तभी ऐसी नहीं थी, बहुत चमकीली थी। ये अभी भी उतनी ही सुंदर है बाबा। बेटा अगर मैं इनको बिल्कुल नई जैसी बना दूं तो? जरा खोल इन्हें, ये खुल क्यों नहीं रही है? हाँ ये खुल गई। तेरे को मालूम है तेरे श्याम चाचू को एक नौकरी मिल गई है? हाँ मैं उनके लिए वर्दी लेने जा रहा हूँ, रास्ते में इन्हें चमकाने के लिए छोड़ दूंगा, फिर घर आते वक्त इन्हें वापस ले आऊंगा। भूलना मत बाबा, आपने ही तो कहा था ना कि मेरी पायल की आवाज ऐसी है जैसे मैं खिलखिलाकर हंस रही हूँ। तो फिकर मत कर बेटा, मैं जब तक इन्हें वापस नहीं ले आऊंगा तो खिलखिलाकर हंसती रहना, मुझे लगेगा तेरी पायल की आवाज है। देखो ना छोटी माँ, बाबा ने मेरी पायल निकाल दी। नहीं बेटा, मैंने कहा ना चमका कर वापस ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी ले आना बाबा, भूलना मत। नहीं भूलूंगा बेटा। मुझे लगता है कि कोयना की नानी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, आप भी जानते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे यहाँ रहना चाहिए या फिर। ये फैसला आप ही को करना है, अगर आप जाएं तो कोई ना को जरूर बताकर जाना, बाकी आपकी मर्जी।